हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हैं विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू सेट ICICI डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट ऑनलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को गूगल में सर्च करना होगा ICICI बैंक, और ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। और आप लोग देख सकते हो ये रहा ICICI बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट, और राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप लोग देख सकते हो लॉगिन, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और फिर आप लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। और आप लोग देख सकते हो ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा टैब मिल जाता है, ओवरव्यू, बैंक अकाउंट्स, पेमेंट एंड ट्रांसफर, कार्ड्स एंड लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कार्ड्स एंड लोन पे चले जाना है, और फिर डेबिट कार्ड / ATM कार्ड पे क्लिक करना है। और आप लोग देख सकते हो ये मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड है। और राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो सर्विस रिक्वेस्ट में चार ऑप्शन है, जनरेट पिन, ब्लॉक कार्ड, रीइशू कार्ड और मैनेज कार्ड लिमिट, ठीक है। अगर आप लोग को कार्ड लिमिट सेट करना है देन यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज कार्ड लिमिट, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा सिंगल अकाउंट है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है देन आप लोग को यहाँ पे खुद से चॉइस करना है। यहाँ पे डेबिट कार्ड सिलेक्ट करना है, मेरा एक ही डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे एक ही डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिलता है, डोमेस्टिक लिमिट्स और इंटरनेशनल लिमिट्स, ठीक है। और मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग जरूर लिमिट सेट कीजिएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी फ्रॉड होता है आपके साथ देन आपका अकाउंट बैलेंस जीरो ना हो जाए। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप लोग ट्रांजेक्शन लिमिट जरूर सेट कीजिए, ताकि अगर फ्यूचर में भी कोई आपके साथ प्रॉब्लम होता है देन आपका पूरा फुल पैसा वेस्ट ना हो जाए। और पहला जो है मैं डोमेस्टिक लिमिट सेट करूंगा, अभी बाद में मैं इंटरनेशनल लिमिट पे जाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लिमिट फॉर कैश विड्रॉल, और इसका जो रिकमेंडेशन रहेगा वो 10,000 तक आप लोग रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा रखने से शायद आपके साथ कभी फ्रॉड होता है देन आपका पैसा निकाल सकता है कोई भी फ्रॉडस्टर, ठीक है। और ये सेट करने के बाद सिर्फ 10,000 तक आप लोग निकाल सकते हो, 10,000 के ऊपर आप लोग अपने ATM कार्ड से विड्रॉल नहीं कर सकते हो। लिमिट फॉर रिटेल ट्रांजेक्शन, अगर आप लोग कोई रिटेल ट्रांजेक्शन करते हो यहाँ पे भी आप लोग सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 5,000 सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग ई कॉमर्स साइट से ट्रांजेक्शन करना चाहते हो देन यहाँ पे भी आप लोग सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 5,000 रखा हूँ। और अगर आप लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पे भी आप लोग सेट कर सकते हो। जैसे मैं 10,000 तक रखूँगा ये वाला, और नीचे आप लोग देख सकते हो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और उसी तरह इंटरनेशनल लिमिट भी आप लोग सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कार्ड एक्टिवेटेड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे भी विड्रॉल लिमिट आप लोग सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 20,000, और रिटेल ट्रांजेक्शन 15,000, और ई कॉमर्स 5,000। और अगर आप लोग कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हो यहाँ पे भी आप लोग सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 5,000 सेट किया हूँ। और अगर आप लोग डिजेबल करना चाहते हो तो सिंपल सा आप लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो पूरा डिजेबल हो चुका है कैश विड्रॉल, आप लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते हो। तो उसी तरह अगर आप लोग डिजेबल और एनेबल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आप लोग को सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर कॉन्फर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को वन टाइम पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया होगा। और यहाँ पे आपके डेबिट कार्ड का जो ग्रिड है जो CD और N है उसके नीचे नंबर होगा वो यहाँ पे आप लोग को एंटर करना है, और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और आप लोग देख सकते हो योर रिक्वेस्ट टू मॉडिफाई द लिमिट ऑन डेबिट कार्ड नंबर, ये आपका नंबर है, हैज बीन प्रोसेस्ड, प्लीज़ फाइंड योर न्यू कार्ड लिमिट्स, ठीक है। तो इस तरह आप लोग मैनेज कर सकते हो अपना कार्ड लिमिट्स को। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विनय टेक। थैंक यू।